बिहार की सियासत में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा गया पहुंचे हैं। विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे को लेकर गया पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने गया के विष्णुपद मंदिर में हाजिरी लगाई। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सबसे पहले मोक्ष की नगरी विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। यह पूजा अर्चना मुन्ना लाल गोदा के द्वारा संपन्न कराया गया, जबकि विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति के द्वारा विजय कुमार सिन्हा का जोरदार स्वागत किया गया। भगवान विष्णु जगत पालक जगत पिता के रूप में बिहार की समृद्धि राष्ट्र की उन्नति के लिए हम लोग प्रार्थना आराधना कर रहे हैं। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान में सब लोग का कल्याण हो, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आज क्या क्या कार्यक्रम हो गया है। आज हमारा सांस्कृतिक विरासत दर्शन के साथ साथ बाल युवा सांसद का कार्यक्रम है, उसके बाद जनप्रतिनिधियों को सामाजिक नैतिक संकल्प बनाना है, पदाधिकारियों के साथ बैठक है, उसके बाद बुद्धिजीवियों के साथ बैठक है। इसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा शक्तिपीठ मां मंगला गौरी के दरबार में भी गए, जहां उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की समृद्धि और राष्ट्र की उन्नति के लिए हम लोग प्रार्थना किए हैं, सबका कल्याण हो। यहाँ मुन्ना लाल गुर्दा के द्वारा पूजा कराया गया, विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति के द्वारा उनका स्वागत किया गया। विजय कुमार सिन्हा जी का आगमन जो है विष्णुपद में हुआ है, शोषोपचार पूजा विष्णुपद प्रबंध कारिणी के द्वारा जो है उनकी व्यवस्था की गई है। पूजा हमारे जो है सदस्य मैनेजमेंट के मुन्ना लाल गुर्दा करा रहे हैं, उनका स्वागत हम शंभूलाल पिट्ठल और हमारे समिति के वरिष्ठ सदस्य महेश लाल गुप्त वगैरह और समाज के लोग उनका स्वागत करेंगे और वो दर्शन अभी कर रहे हैं। भगवान का चरण का दर्शन पूजा संपन्न हो गया उनका। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर गया आए हुए हैं। वह गया संग्रहालय में बाल युवा संसद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही उसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर करेंगे। साथ ही दोपहर में जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। गया से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।